Joy Studio. Here we have Mr. Panwar, Tikendra Panwar, the former deputy mayor of Shimla. And of course, a very distinguished politician across the country. Very happy to have you here. Thank you for inviting me. And I think it's really lovely. Two for joy. All right. So, and today happens to be a very auspicious day where our founder of Himachal, Dr. Yashwant Parmar's birthday. And we are commemorating a wonderful legacy that he's left behind over a period of years. And we look at different aspects, both the historical and the future perspective, through your eyes, sir. Great. My first question to you regarding Mars' legacy is how was it all built up? How did Himachal came into being? So, Paras, I think one thing which we must keep in mind is that Himachal is altogether non-classical state to have been developed by Dr. इसका मतलब क्या है? जी, classical हम ये बोलते हैं कि वो state जो या तो linguistic basis पर बने हो, लेकिन Himachal दूसरी तरह से state बना. और पहला इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है. दूसरी, इतना गरीब प्रदेश होने के बावजूद जिसकी जो प्राकृतिक संपदा तो बेशुमार, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो फिस्कल हेल्थ थी बहुत ही, तो ऐसे स्टेट को बनाना, तो पॉइंट इज के इतना, और आज हम केरला के बाद दूसरे पर है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट जस्ट लिटरेसी. सो व्हाट आर द इंडिसेस? वो है कि अब वो ट्रिक कैसे हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स का काम है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए. लेकिन प्राइमरीली आज आपने डॉक्टर परमार की बात कही, उनका काम है, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो बेस है, वो रखने वाले डॉक्टर परमार. आप उनको प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट से देखेंगे तो एक तो मतलब उस जमाने में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बार एंड लॉ, मतलब तो अच्छा उनका करियर था. लेकिन वो हिमाचल में एक जो आंदोलन खड़ा, जो यंग जनरेशन को खासकर वो जो देख रहे हैं जरूर जानना चाहिए, उस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल. राइट सर. और प्रजामंडल का मतलब प्रजा, उसकी बेसिक उद्देश्य ये था, प्रिंसली ऑफ मर्जर स्टेट्स. राइट. तो ये पूरे देश में भी हो रहा था, पूरे देश में था. लैंड रिफॉर्म को लेकर जो स्लोगन निकल कर आ रहा था, लैंड टू द टिलर, कि जमीन उसकी होनी चाहिए जो जो का था रखनी थी. पूरे देश में नहीं हुआ, कुछ जगह पर हुआ, जिसमें मैं आपको राज्य गिना सकता हूँ. उसमें केरल सबसे ऊपर आता है, 57 में उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाया था. जी. कश्मीर में, वहां पर तो ये 1930s में शुरू हो गया था लैंड रिफॉर्म. बंगाल में ऑपरेशन बरका, फिर कुछ एक, और हिमाचल उसमें एक बहुत ही अस्टाउंडिंगली बाहर निकल कर आता है. तो जब उनके हम लीगेसी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रजामंडल मूवमेंट जिसने यहाँ के जो भी ठकुराइयां थी या जो भी बीसी स्टेट्स थे 30 के आसपास, और उनके मर्जर की बात कही, और उसमें ये कहा गया कि वो एक इंडियन यूनियन के साथ जुड़ेंगे, और दूसरा ये कहा गया कि जुड़ तो जाएंगे लेकिन विकास का मॉडल क्या होगा, पाथवे क्या होगा. वो पाथवे पर लगातार अगर आप उनकी डिस्कशन देखते हैं, इनफैक्ट जब हिमाचल भी बन रहा है 47 में, जब ये डिबेट चल रही है, क्योंकि 48 में इसलिए हम दो दिन मनाते हैं, एक हिमाचल स्टेटहुड डे 71 में, और एक 48 में जो स्टेट के रूप से पहचाने गए. तो वो जो नाम भी दिया गया हिमाचल प्रदेश, वो सोलन में दिया गया, और वो यही जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग इकट्ठा होकर दिया. लेकिन परमार की लगातार उनके साथ इंगेजमेंट रही है, और बहुत सारी बातों पर उनके साथ परेशानियां भी रही हैं, और इसलिए वो बहुत शार्पली उसमें इंटरवीन करते हैं पूरे पीरियड में 48 से लेकर 71 तक. हालांकि हमारे काफी गिरावट की गई, पहले में यूनियन टेरिटरी बना दिया, फिर पंजाब के अधीन रख दिया, तो ये सब चीजें भी चलती रही. जी. लेकिन जो असल में गाथा लिखनी है हिमाचल की, जो 71 के बाद डॉक्टर परमार ने लिखी, कि कैसे मॉडल बनेगा और क्यों आज वो इतना रेलेवेंट है, खासकर जैसे मैंने कहा यंग जनरेशन को जानने के लिए. इनफैक्ट ये पढ़ाई में पढ़ाया जाना चाहिए. जी. कि ये एनोमली कैसे, इट शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन, स्पेशली फॉर यंगर चिल्ड्रन. एब्सोल्युटली. दे मस्ट नो, यू नो, हाउ, व्हाट द ट्रिक. वी नो द इंडियन हिस्ट्री, बट वी बेयरली नो द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, यू नो, द रोल प्लेड बाय
various freedom fighters, various forces also. We had the Prajamandal movement and the Suket movement, you know, which was led in Mandi. So all this led to bringing in lots of people together. Right. And then also attributing to n number of Dr. Parmar's qualities. और उसमें ये है कि हम उस पे खैर बाद में आएंगे कि उनकी ईमानदारी तो मतलब मिसाल है वो. Right. उनकी कहावतें हैं. A man of principles. Oh yeah, principles. और लेकिन उसके साथ साथ very about listener. मतलब वो सर दादागिरी नहीं करते थे. Right. उस वक्त उनके मुकाबले में कोई नहीं था. मतलब कांग्रेस ऑफ कोर्स लीडर थी. सारा जो प्रजामंडल था वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया. जी जी. और तीन मुख्य फोर्सेस थी, कांग्रेस थी, जनसंघ था और लेफ्ट थे कॉमन्स. राइट. कॉमन्स पार्टी भी वहां लीड कर रही थी. लेकिन वो बराबर तवज्जो देते थे सबको. ये जो कल्चरल पार्ट था हिमाचल में, मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको हम आई थिंक वी शुड एट्रिब्यूट टू डॉक्टर. दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट rather thought than a question, is that when you look at the politicians of today and you being and you reflect upon the people with principles and their legacies that we have today, how do you see or feel the difference between the two, and a kind of malfunctioning in the political scenario where it is more of a tussle, a fight between parties and people, rather than a development that should be the first agenda, or sustainable development rather that should be the first agenda for everybody to address. Yeah, I think it's a very pertinent question. And if you honestly ask me, the current leadership, including me, myself, I think we are not even 10% of what these guys have. Dr. Parmar, you know, that generation of leaders. Ji. To me, what is the primary reason to that? It's individual. Of course, it is individual. But mujhe lagta hai uske saath uska ek environmental question bhi hai. Aur wo jo vatavaran tha, usme politics mein kaun log aate the for us? Ji. Jara sochiye. Usme wo aate the jo apni kurbani, I mean, sacrifice was the driving force. कि हम सैक्रिफाइस करेंगे किसके लिए, देश के लिए. तो पॉलिटिक्स किसके लिए थी? फॉर पीपल, फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, फॉर पीपल. आई थिंक तो वो जो एलिमेंट था कि आप वंडरफुल सर, वो आज की पॉलिटिक्स में आप क्यों आ रहे हो? टू अटेन पावर, मनी और पोजीशन. वेरी ट्रू. तो मतलब एक किस्सा को बताता हूँ, मतलब उससे आपको आइडिया लग जाएगा. बोलना क्या, देखिये डॉक्टर परमार की इनफैक्ट इस पहलू पे बहुत कम लिखा गया है. आई विश, अभी हमें मालूम पड़ रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर हमारे जो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जी सर, बहुत महत्वपूर्ण किताब निकालने वाले हैं हिमाचल की हिस्ट्री पे, और खासकर डॉक्टर परमार के कॉन्ट्रीब्यूशन पे. विल बी, इन फैक्ट वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट बुक टू कम. राइट. लेकिन उनका मैं एक किस्सा, तो उसमें और डिटेल में आएगा, उनका एक किस्सा सुनाता हूँ. उनका झगड़ा हो गया अपनी लीडरशिप के साथ कांग्रेस की. ओके. 77 में किस इशू को लेकर, इसमें बहुत कम लिखा गया है. राइट. वी आल्सो डोंट नो. राइट. आई ट्राई टू स्पीक टू सम ऑफ द देन लीडरशिप, लेकिन कोई बता नहीं पाया क्या रीजन था. तो किसी बात पर जिस पे उनको पोजीशन हुई कि ये मेरे स्टेट के हित के लिए, यानी रिजाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, नॉट फ्रॉम कांग्रेस, आई विल रिमेन अ कांग्रेस स्टेप, बट ही रिजाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप. एंड वो कहावत है कि पारस गए कैसे वापस, शिमला बागथन, बागथन का करता सिरमौर में. उन्होंने बस ली, शिमला बागथन बस. ओह माय गॉड. और एक छोटा सूटकेस था, टूटा हुआ सूटकेस, वो लेकर ही वेंट टू बागथन, स्टेड देयर. आई थिंक ही सर्वाइव्ड फॉर 4 मोर इयर्स. 81 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वी लॉस्ट हिम. तो हमारे टाइम में आप याद करो, सीट नंबर 456 रिजर्व फॉर एमएलएस. दैट्स, टेल मी वन एमएलए दैट ट्रैवल्स इन अ बस. एचआरटीसी बस यार, टेल मी वन एमएलए. हां, मतलब इस लोग को पता ही नहीं. टुडेस डे आई थिंक दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल. या या. सो मतलब परिवर्तन आप देख रहे हो, तो लेकिन इसका मतलब इसकी रेलेवेंस नहीं है. हां जी. बिकॉज़ व्हेन यू गो टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हैव यू बीन देयर? या, आई बीन देयर. सो आई रिमेंबर हर बजट इज लाइक आई थिंक 6-7 टाइम्स द बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश. बट 4 o'clock व्हेन वी रमेश इज अबाउट टू गो, बिकॉज़ आई हैव टू कैच अ बस. There you so go. It's not that we have to revisit those values, those principles. Absolutely. Because so. Politics to me still paras. Aur aaj ke time mein generation ko bhi samajhna chahiye ki politics ka matlab service karna hai. Absolutely. Politics ka matlab absolutely. Logon ki seva karna hai. But, paisa banane ke liye kahin aur. Where do you think we failed and we took a different route
historically in the history, and then the reason for what we are today has to have some significance in the past, which has led to these events happening. And when there is so much turmoil in the country, about Brought in a big departure. Yes, sir. I think to me, in Himachal terms, not talking in terms of in the country, but Himachal per se. Himachal, I think, are both are linked. Even in, I mean, Himachal mein not just Parmar, I mean, Gaur sahab the. You could find. I'm not even talking about the you know, some of the Jan Sangh leaders, communist leaders. जहाँ आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे लगाई. आप विचार से सहमत हो ना हो, इज अ सेपरेट क्वेश्चन. अगर आप प्रिंसिपल की बात करें, करेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिल जाते हैं. गौर साहब जैसे थे, तो ताराचंद जी मिले थे, सीपीआई के जोगेंद्र नगर से. मुझे लगता है उनके घर आप जाएंगे तो आप लगेगा नहीं आपको, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. मुझे लगता है डिपार्चर का जो पीरियड है ना, ये जो नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर 90s में आना शुरू हुआ जी, जिसमें डू यू थिंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया प्लेड अ रोल. यस, प्राइवेटाइजेशन प्लेड अ मेजर रोल. और ये चैलेंज ग्लोबल है और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा हुआ. अच्छा, और हमारे यहाँ पर मतलब एकदम से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुई. आप देखो जी, जो प्राइवेटाइजेशन का, और मतलब प्राइवेटाइजेशन का मैं ये कहूंगा, यू नो, द रोल प्लेड बाय बिग इंस्टीट्यूशंस, यू नो, और स्पेशली जैसे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ गए और हाइड्रो पावर में आ गए, सीमेंट में आ गए, तो ये स्टेट ने इस तरह से देखा नहीं था जी. और उसका असर ये भी हुआ कि पहले जो करप्शन होती थी, बारस दो फंडामेंटल चीजें जो आपने कही, दैट इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. पहले करप्शन क्या होती थी, काम कर दिया आपको पैसे दे दिए. आज भी होती है जी जी, तहसीलदार से आप किसी तहसीलदार बट यू नो रजिस्ट्री करवाई तो जेब में डाल दिया. तो ये क्या था, ये पर्सनल लेवल पे करप्शन थी जी. 90s के बाद के दौर में हम देखते हैं 2000 उसके बाद तो ब्लेटेंट है. अब पॉलिसी लेवल करप्शन हुई है, राइट. तो अगर आप पॉलिसी पे ट्वीक कर दोगे, nobody can do anything about it. Policy pe tweak karne ka matlab, jaise main aapko example bhi de sakta hu, bahut sare aise projects hai jinko main bahut closely janta hu, jinki jo DPR likhi jati hai ji ji ji, ya jinka tender float kiya jata hai, wo policy mein hi aisa hota hai ki wo tay hai kisko milna hai ji 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 ji, aur tay hai kisko nahi milna hai ji ji ji. To aap us level pe corruption dekho kitni badi hogi. Very true sir, very. To wo itni badi hogi to wo jo principles ko compromise karna hai, wo principles ko compromise kahan kar rahe hain, policy level par. Absolutely. To wo neeti pe parivartan karne se aapne kya kar diya ki then the shift is, jaise jo contract 200 crore ka jana chahiye, 250 crore ka, wo agar 500 crore mein jayega to aap soch sakte hain ki kitna, so where is the money going, where is the money going. To I think that policy level corruption jo logon ko to nahi nazar aati hai, because people still feel people hardly, lekin wo ek major. सर एक चीज, आई थिंक पीपल आल्सो नीड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दिस जंक्चर, बिकॉज प्रिंसिपल्स अगर कॉम्प्रोमाइज हैं तो इट इज द, आई थिंक द ड्यूटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे गेट इनटू अ काइंड ऑफ अ मोड वेयर अकाउंटेबिलिटी इज यू नो सीक फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड. Therefore, so, transparency is the key. Haan, yeah, because you, aaj ki date mein, you can't wait 5 years and then you go into a different mode. But I think it's very important that everybody, including politicians, people and common masses, everybody has to be accountable and has to look towards a common goal, and which is sustainability. Okay. So how do you create that institution? Exactly. That is the point. Jee. Now take for example, I again go back to Dr. Parmar. जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. वेरी नाइस. कि सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है और कैसे. तो जब, जैसे मैंने कहा कि हम स्टेटहुड मिले तो कुछ था ही नहीं पता कि क्या करोगे आप. एब्सोल्युटली. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने क्या बिल्ड किए, परमार वाज वेरी क्लियर. अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकेंगे जी, तो जहां वो इंदिरा गांधी को ला रहे हैं, उनको पैदल चला रहे हैं, बिकॉज उस वक्त ये मोटर इंपॉर्टेंट था. और ही ब्रॉट इन 3 or 4 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस. द फर्स्ट वॉज लैंड रिफॉर्म्स. उसने यहाँ पर लैंड टू द टिलर सबको दिया, तो एक बेसिक एसेट क्रिएट किया जी. जिसके पास जमीन नहीं थी उसके बाद नौ तोड़ करके दी जी. नौ तोड़ करके वो कानून बनाया. ऑफ कोर्स दैट आल्सो बी बोरोड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर 1930s का था. और तो
तो वो एसेट दे दिया। अब आप एसेट तो कर लोगे, क्या करोगे उस एसेट से, कुछ तो होगा नहीं जी। उसके ऊपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जी, और वो हमारे कहा होता है हर दूर के कोने में भी आपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन स्कूल खोल के दिया, लोगों को पढ़ाया जी। कि सिर्फ ये नहीं काम चलेगा, लोगों को पढ़ाया, पढ़ लिख के क्या करेंगे, सब तो वहां नहीं जाएंगे, और एग्रीकल्चर हमारा बहुत ही प्रिमिटिव था जी। तो वहां तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो लैंड देने के बाद उसमें हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट किया। Wonderful. अब आप सोचो आज सेब की आपकी इकोनॉमी 6-7 हजार करोड़, ऐसे नहीं होगी सर। यस, तो ये हालांकि स्टोक्स कब आ गया, स्टोक्स बहुत लिमिटेड फैमिली थी जी, लेकिन मास लेवल पे जो हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो परमार, और वो कहावत है कि वो हॉर्टिकल्चर अफसर के साथ पीठ पे सैपलिंग उठाकर चलते थे जी, प्लांट करो, यू नो, कॉन्शियसनेस क्रिएट। So right from that period, we have been conscious about plantation, so it was very clear. Environment and sustainability. Sustainability में आता हूँ, sustainability mega hydro project. To me, sustainability is a little problematic issue. Tricky. तो फिर उसके बाद क्या किया, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खड़ी की, आपको एक्सटेंशन सेंटर्स खोले। आज तो कोई रिसर्च हो रही है मुझे पता नहीं, नहीं डेफिनेटली हो रही होगी। हाँ, तो वो एक्सटेंशन सेंटर्स खोले, उनको बोला के नीचे कनेक्ट करो जी। तो इस तरह से आपने वो बिल्ड किया, द थर्ड पिलर। द फोर्थ पिलर वॉज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने पढ़ लिख तो गए, लोग कहाँ डालोगे, तो फिर मैसिव शिक्षा देने के लिए टीचर्स बनाए आपने। जैसे पारस, आपने जिंदगी में कभी घर देखा आपने जब बिजली नहीं थी? हमने तो नहीं देखा। नहीं सर, 1980 से I have traveled a little bit in off-roading, 1980s we've seen electricity quite like a bit. My village since I was born 70s I've never seen ke electricity nahi jati ana baat alag cheez hai. Electricity I would still say we are doing good, but in terms of water coverage, no, water pe aate hain, that is water pe aate hain. I mean kyunki water pe pehle to try to understand kya kiya. To ek to electricity dene ka matlab kya hai, uska matlab ye hai ki aapne kareeb 50,000 logon ko naukri di wahan ji, poll pe le jana tha. So not only naukri sir, I would correlate it with education because you have life. So education naukri, yeah. Aur usse kya hua, aapke medical college, to ek middle class khadi ki, middle class khadi karne ke liye aapne badi market khadi ki, amazing badi market khadi kar di. Ji ji, to ye pura, because every economy runs on basically thrives on middle class. No, every economy does. Middle class is just one part. Economy has three major sectors: primary, secondary and tertiary. To maine bola yahan different inverse kya tha, प्राइमरी प्रोडक्शन थी हमारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जी, इसमें हम हॉर्टिकल्चर में गए। सेकेंडरी आप ज्यादा उम्मीद नहीं करते थे, जो बेसिकली इंडस्ट्री से आपको था जी, आपने ज्यादा टर्शियरी पे गया, आपने टूरिज्म किया, उसके बाद और चीजों में आपने किया। तो अब सवाल ये था कि ये सब जो आप कर रहे हो इसमें आपको खर्चा तो कर रहे हो जी, तो खर्चे का आपको कोई मेडिकल कॉलेज प्राइवेट नहीं है, कोई आएगा नहीं प्राइवेट, कैपेसिटी नहीं है, तो कौन कर रहा है? तो सेंटर से आप क्या करते थे, एड, फिस्कल बैलेंस करते थे। राइट, तो फिस्कल डेफिसिट आपको होता था, सेंटर आपको मदद करता था जी। अब जो ये डिफरेंस में क्यों 90s पे इतना मतलब ऑब्सेस्ड हुआ, हाँ, कि उसने बहुत चीजें डायनेमिक्स में लाई, उसने ये लिया, उसने नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर लाया और उन्होंने कहा ये जो पुराना मॉडल था ये दिस फिनिशेस ऑफ, ग्लोबली भी हुआ और यहाँ पर आपको रिसोर्स जनरेशन शुरू करना पड़ेगा। right, जो सस्टेनेबिलिटी थी भारत, जैसे पुराने मैंने बोला जब बिजली आप दे रहे हो तो कहीं ना हाइड्रो पावर थे ना जी, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या थे, जैसे भावा था, छोटे हाइड्रो पावर थे, हम बड़े हाइड्रो पावर में गए ही नहीं जी। तो मैसिव शिफ्ट होता है 90s के बाद, जहां सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो जी। इवन जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल में, वो भी कहती थी हमने नहीं लगाने बड़े हाइड्रो पावर जी, जी, लेकिन वो शिफ्ट हो गया। नाथपा झाकड़ी पहला प्रोजेक्ट है जी, आपको याद होगा जी, जी। और कितना का, 1,500 मेगावाट का। राइट, तो और फिर शिफ्ट क्या हो गया कि आप टूवर्ड्स मार्केट इतना ज्यादा जुड़ गए कि आपने मार्केट के साथ इंटेग्रेट करने की कोशिश कर ली, और फिर आपको अपने रिसोर्स जनरेशन के लिए बात कही गई, तो आपने रिसोर्स में क्या किया, आपने अपने रिसोर्स जनरेशन के लिए आपने टूरिज्म को बढ़ाया जी। अभी आपको जानते हो जापान बोल रहा है हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, स्पेन बोल रहा है हमें टूरिस्ट ओवर टूरिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम, यस सर, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमें ज्यादा चाहिए, हमें चाहिए, इकॉनमी रन, इकॉनमी रन करती है हम, फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम रोड को वाइडन करेंगे। अब रोड को वाइडन करना है कि नहीं करना है, देयर इज नो क्लैरिटी बीइंग हिमालयन। सो आई थिंक जो सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आज के समय में है और पहले के समय में, पहले सस्टेनेबिलिटी वॉज सर्वाइवल, right, so whether we'll survive right or not. Right, I now agree. Sustainability is for profitability. I beg to differ. Our sustainability should not be for profitability. My point is that we cannot bring in bade hydropower projects, we cannot allow widening of the roads, we cannot allow this massive part kind of the west has already relinquished
the hydro aspect. Absolutely. People are going to solar, wind, hybrid models. So, but they are not getting into hydro. यहाँ तो अभी भी आप अगर देखें सरकार is giving because incentives and subsidies for such projects that you think that you are going to get revenue out of it. That is a catch. तो जब तक आप इस financial act, तो Dr. Parmar इस बात में बड़ा clear था. जी. और इसे मैंने कहा जब उनको बोला कि 77 में मतलब he is not ready to buy the arguments, he just quit from the chief ministership. Right. So I think आज के time में relevance, जब आपने Dr. Parmar की relevance की बात कही है, जी सर, वो सिर्फ ये नहीं है कि historically he has built the state. Yes, that is. We must understand that. लेकिन even contemporary times में why उनकी model of politics or economic pathway is still very relevant. क्योंकि वो economic pathway है जो हिमाचल को sustain कर sustain कर रहा है, ना कि वो pathway जो हम आज borrow कर रहे हैं. मतलब आप टूरिज्म तो बढ़ाओ बट यू शुड नॉट अलाउ लाजपत नगर टू बी रनिंग ऑन योर रिज ना. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मतलब दैट्स अ वेरी 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 पर्टिनेंट पॉइंट एंड आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू व्हिच आई वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च कपल ऑफ डेज बैक एंड आई फाउंड आउट दैट देयर आर अबाउट 1 crore प्लस टूरिस्ट एंटरिंग हिमाचल every year. More than that, I think 1 crore plus but Shimla ke 40 lakh bed capacity of Himachal is 2.5 to 3 lakh ab aap bataiye sir ek saal mein pura hota hai na yahan but ha peak time mein 1 lakh vehicles peak time mein aap kahan jayenge. So what people have been doing is sleeping in the cars and eating in bilkul you require a different paradigm. A different paradigm sirf isliye nahi कि आपको क्या हाइड्रो पावर होगा ये भी सोचना जरूरी है, किस तरह का टूरिज्म होगा ये भी सोचना जरूरी है. और इनफैक्ट ये जो मास लेवल पे आप इवन हॉर्टिकल्चर भी कर गए हो ना, जी जी, कि आप रोड हर जगह निकाल रहे हो कि क्विक चाहिए आपको मार्केट में जी. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रही है पारस, एक नई चीज है जो आई थिंक वी शुड डिबेट सेपरेटली, इज दिस शिफ्ट एंड ट्रांजिशन इन एप्पल फ्रॉम योर कन्वेंशनल वेराइटीज टू हाई डेंसिटी पर वेराइटीज. करेक्ट करेक्ट. जिसमें आप मतलब यू कैन प्ले मोर विद द काइंड ऑफ प्रोड्यूस. हाँ, प्रोड्यूस एंड विद नेचर. क्योंकि दे कांट सर्वाइव इवन आई थिंक फॉर 24 आवर्स विदाउट वाटर. तो आप क्या कर रहे हो, आप डिग कर रहे हो, बोर लगा रहे हो नीचे. तो ये इश्यूज, ग्राउंड वाटर इज ऑलरेडी रिसीविंग, तो वो सब चीज. मुझे लगता है कि इसमें तीन चार चीजें बेसिक करने की जरूरत है. एक तो स्कूल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ाई जाए कि एक्चुअली हिमाचल की हिस्ट्री में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन. जी जी. और दूसरा आज की पॉलिटिक्स को, क्योंकि हिमाचल की पॉलिटिक्स कल्चरली कैन नॉट बी अलाइन टू द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी हैव इन दिल्ली, इन द कंट्री या दिल्ली फॉर मी इज लाइक. जी जी जी. सो आई थिंक वहां यहां जो कल्चरल अफिनिटी है, यहां जो रिस्पेक्ट है, या यहां जो हमारी अफिनिटी है, सैटिस्फैक्शन लेवल, वो डिफरेंट है. और जो पहाड़ी बेसिकली माउंटेन एथिक्स है, वेरी ट्रू. तो वो समझना बहुत जरूरी. So that brings us to the final question for today, and that is, how do you foresee the legacy of Dr. Parmar continuing in the years to come, let's say 5 to 10 years from now? What do you think that legacy, and how will that legacy play a role in the positive and sustainable development of Madhya Pradesh? Because currently there are many things that are going counterproductive to development. Hmm. For example, we never used to have the climate change that we are facing today. That's true. For example, we've never had such big highways, 4 lanes across the state. There are a lot of over-tourism happening in the state because of these highways. So people are not only driving on highways, but they are preferring off-roading. So they are reaching in corners of Himachal where people never used to go. So how do you perceive the coming future for our state? You want one sentence answer, one word? I would love a thorough answer, sir. Okay. So yeah. One word would be disastrous. Oh my God. Yeah, I'll tell you why. So let us understand ho kya raha hai. क्योंकि जैसे आपने कहा, जब डॉक्टर परमार थे तो क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होती थी. अभी दैट हैज बिकम एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क. पूरा हिमालय जो नॉर्थ वेस्टर्न टू इवन द ईस्टर्न, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC रिपोर्ट 6 आई है जी. और वो ये बोलती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द टू मोस्ट वल्नरेबल जोन्स
और हिमालयस एंड कोस्टल इंडिया, तो हम सबसे वर्नल जोन. माय गॉड, उसका मतलब क्या है? जैसे आप ही ने कहा, नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर कंप्लीट हिमालयस. उसका रीजन ये है कि और उन्होंने कहा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो पहले से वंस इन अ सेंचुरी होते थे, अब वो कम से कम 100 इन अ सेंचुरी होंगे. सो एवरी ईयर बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. एवरी ईयर तो, और एवरी ईयर में मे बी मोर इन अ ईयर. और तीसरी बात, वो क्या बोलते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेसिपिटेशन लेवल है, एक तो स्नो लाइन हमारी वैसी रिसीव कर रही है, प्रेसिपिटेशन लेवल जो इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव मोर रेनफॉल, पर छोटे समय में आपको ज्यादा बारिश आएगी. आप देख ही रहे हो ये जी, अभी पिछले 10 दिनों से शिमला में बारिश हो रही है, लेकिन एकदम से बारिश हो रही है. तो इसलिए मैं आईपीसीसी की और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है व्हिच आवर पीपल शुड नो जी, और वो डॉक्टर परमार के समय में नहीं था. उन्होंने बोला एनी चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 1986, 1986 के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसने एक भी नॉर्मल सीजन नहीं देखा. The four seasons that we used to have in Simla. Simla क्या दुनिया? Across. Across. एक भी normal season नहीं देखा है. जब बारिश होनी चाहिए तो गर्मी होती है, जब गर्मी होनी चाहिए तो बर्फ पड़ जाती है. पिछले साल जुलाई में 24-25 को आपके पहाड़ में बर्फ पड़ गई, जिससे हमारी भेड़ बकरियां मर गई, क्योंकि वो तो चरान में गई हुई थी और वो 15 दिन के लिए बर्फ जमी रही, उनको खाने को मिला. एंड द पुअर शीप डाइड, एंड यू नो इट्स अ ह्यूज लॉस टू द पीपल. एक तो ये है. दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि एनी चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 1986, अगेन 86 वो पीरियड लेते हैं, उसने एबनॉर्मल मंथ्स, जो एबनॉर्मल इवेंट्स हैं जी, वो वंस इन टू मंथ देखे हैं. हर 2 महीने में एक एबनॉर्मल. दैट्स व्हाट आप और मैं थोड़े हम लकी पे लकी कह लकी है कि हम वी हैव 86 के बाद से एक्सपीरियंसिंग द. तो अब क्या है जो हम, जो आज अगर परमार की लेगेसी की हम बात करें, जो समझना जरूरी है, एबनॉर्मलिटी इज द न्यू नॉर्मेटिव. न्यू नॉर्मल, नॉर्मल या नॉर्मेटिव, या राइट राइट. तो निश्चितता बेशुमार है जी सर, बहुत ज्यादा. आज है कल है नहीं, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. आज है कल है नहीं, कोई गारंटी नहीं है जी. तो अगर ये स्थिति है तो सबसे पहले जरूरत है आपको अडेप्टेबिलिटीज की. इसमें आपको कम से कम ऐसा करना है, और उस अडेप्टेबिलिटी में हिमालयन रीजन में समझने की जरूरत यह है कि कम से कम आप जहां पर बचेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं पा रहा, वो बोल रहे हैं राइट. लेकिन ये होगा कि अगर आप वल्नरेबल जोन्स में जाओगे ना, आप 100% मरोगे. Absolutely. तो इसलिए रिवर, रिवाइंस, गॉर्जेस, नालों में कम से कम वो हमें अवॉइड. शहरों में फॉर हेवन सेक बार बार है कि कम से कम जो वाटर कॉन्टूर्स उनको टच एबिलिटीज में की है, मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी अलग है, वो हमारे हाथ में ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ऑलरेडी इतना नुकसान कर चुका है राइट. तो इसलिए वो एक नए, उसमें जैसा आपने कहा डॉक्टर परमार को अगर आज देखना है तो सस्टेनेबिलिटी के नए आयाम है जो उस वक्त नहीं थे. दूसरी बात जी, उस वक्त हम अर्बनाइज नहीं थे. हाँ, तो इसलिए जब शहरीकरण इतना नहीं था तो हमारी चैलेंजेस भी नहीं थे. मैं क्या 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 चैलेंजेस हैं, हालांकि हमारा 2011 का सेंसस बोलता है हम लोग 10% अर्बनाइज है, मेरा मानना है हम 40% अर्बनाइज है राइट. क्योंकि जैसे ही अर्बनाइज का मतलब, एक तो हमारे डेफिनेशन जो है वो ही गलत है जी, कि आपका सेंसस अलग है, स्टैच्यूटरी टाउन्स अलग है. मेरे हिसाब से मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग अ रोड और रोड के आसपास आपकी छोटी मोटी सेटलमेंट आनी शुरू हो जाए, आपकी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्बनाइजेशन शुरू हो जाती है प्रोसेस जी, आप उसमें मतलब घर का आरसीसी शुरू हो जाता है, आपके गाड़ियां शुरू हो जाती है. तो और उसके साथ अब आपने वो खोल दिया है ना, पिटारा ना, ना पिटारा नहीं हाँ, मतलब आप रोहतांग के नीचे आप टनल घुसोड़ दी जी, जी, जी. अब आपने टनल तो निकाल दी रोहतांग की जी. लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है कि भाई वहां पर जो इतना टूरिस्ट आ गया उसका मलमूत्र का क्या करेंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू और से इज दैट the way we are developing and we are going ahead in life, I think we need to reflect and introspect. So the challenge is, so 90%, mark my words, with full authority I'm saying, I've served the city for 5 years, I'm telling you, right, where you have STPs, even in such cities, 90% of your liquid waste goes into the ecosystem without treatment. Waste management is another big topic. Second, waste management. 60-70% solid waste. Ji. Goes into the ecosystem. यार पहले आप कैसे नदी नाले से पानी पीते थे और जिंदा रहते थे, आप क्यों नहीं पी पाते? Streams used to be one of the most purest from the water. शिमला की एक भी स्प्रिंग आप पीने लायक नहीं, बाजू में भी यही हो गया, बिकॉज हमने, तो ये चैलेंज नया आ गया है, ये उस वक्त नहीं था जी, जी. तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये नया मोबिलिटी का नया चैलेंज आ गया. यार पारस पहले स्कूल में कोई गाड़ी के साथ आ जाता था ना, गाली देते थे उसको, अभी बिना गाड़ी के स्कूल में जाता कोई नहीं जाता.
मतलब आप हाईवे बनाकर कर क्या रहे हो, आप 2.5 घंटे में चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हो तारा देवी, right. लेकिन तारा देवी से 2 घंटे लगा रहे हो क्रॉस करने को. चैलेंजेस आपको रिविजिट आर्किटेक्चर जो इम्पोर्टेंट है. फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में आप देखो ये है कि वी आर ऑलरेडी सम 80,000-90,000 करोड़ डेट. ये मॉडल तो सस्टेनेबल नहीं है, ना ही इकोलॉजिकली, ना एनवायरमेंटली, और ना पॉलिटिकली, ना फाइनेंशियली. सो इट हैज कम टू अ डेड एंड. सो देयरफॉर व्हेन आई से इट्स अ डेड एंड, फ्रॉम द एशेस ऑफ दिस डेड एंड अगेन डॉक्टर परमार हैज टू राइज. एंड व्हेन आई से डॉक्टर परमार हैज टू राइज, द होल आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन हैज टू राइज, द सोल ऑफ हिज सोल, एंड द सोल इज व्हाट शुड बी द माउंटेन डेवलपमेंट मॉडल. Absolutely. और वो डॉक्टर परमार ने दिखाया कि हमारे पहाड़ी में कहावत है कि जब पीछे टाकी वाले कपड़े होते थे ना, तब भी उसने विकास करके दिखाया, हम आज केरला के बाद सेकंड ने. जी जी. आज उस डेवलपमेंट के मॉडल पे हमने कहां पहुंचा दिया, आज हमने वो पहुंचा दिया. अभी हम जैसे बात कर रहे थे हमारे आसपास बगल में कितना बेरोजगारी है. जी सर. हाँ? जी सर. तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, ह्यूज डेट है, और ओवरऑल अगर आप एनवायरमेंट देखेंगे तो इतनी ज्यादा अनिश्चितता है. डेवलपमेंट इज व्हाट पारस, डेवलपमेंट इज वेयर यू आर एबल टू यू नो सिंक्रोनाइज नेचर, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, और हाँ, और साथ में आप निश्चितता लाओ ना यार, ये तो अनिश्चितता पैदा कर रहा है. अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इट शुड बी प्रेडिक्टेबल फ्यूचर्स इज क्रिएटिंग अ वेरी सेंस ऑफ एराय काइंड ऑफ danger that is lurking. So future should be predictable. Everybody's mind. No, sir, but there's a new theory coming up. Yes. I think how much growth is good growth. Okay. Okay. Mm-hmm. So there's a new theory coming up, you know, because this paranoia about growth and treating cities as I think growth is rather being fueled by greed. There's a new theory coming up, jo koi sai to abhi US mein bahut popular ho raha hai. Right. Ke degrowth formula. आपको ग्रोथ किसके लिए, आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए, ग्रोथ किसके लिए, सीमेंट प्रोडक्शन कितनों के लिए, सबको घर देने हैं ना यार, तो घर देने का क्या मॉडल हो सकता है हिमाचल में, सबको तो आरसीसी नहीं चाहिए, राइट, ठीक है ना. तो किसके लिए ग्रोथ कर रहे हो, जैसे आपने कहा ग्रीड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ फॉर सस्टेनेबिलिटी. गलत फहमी है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल अलग है, पॉलिटिकल अलग है, ये बहुत ही बेकार इट्स कलेक्टेड. तो आई थिंक वो सो टू मी आई थिंक सिक्योर फ्यूचर्स, सिक्योर प्रेडिक्टेबल फ्यूचर्स वुड बी अ बेटर वे पाथवे देन गो फॉर एन इनसिक्योर यू नो फ्यूचर्स विच लीड्स टू डिजास्टर्स. करंटली इट्स अ डिजास्टर्स मॉडल. आई थिंक बहुत जरूरी है सिर्फ हिमाचल नहीं, हिमालयन स्टेट्स को कलेक्टिवली थिंक करना, बिकॉज वी आर वेरी फ्रेजाइल, जैसे क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं. जी. ऑल्सो हमारे टेक्टोनिक शिफ्ट्स अभी भी चल रही है, कोई पता नहीं कैन हैपन एनी मोमेंट, नो बिकॉज हमारे अभी फॉर्मेशन है ना, वी आर यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स. सो आई थिंक इट्स अ सीरियस चैलेंज. सो डॉक्टर परमार टू विजिट डॉक्टर परमार इन सच अ सिनेरियो वुड बी यू नो टू एसर्टेन पाथवेज विच आर मोर प्रेडिक्टेबल, more sustainable, more reliable, and absolutely in complete sync with nature. That's what I well saying. That brings us to the end of the show. I hope, ladies and gentlemen, you've had a great time listening to our distinguished guest here, Mr. Panwar. And I would now suggest you to follow us, like us, and subscribe us as much as you can for more talk shows like these. Thank you so much. Have a good time. Bye bye.